हेलो ब्रिवन, इस वीडियो में हम कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का जो आज का पेपर हुआ है उसका लेवल डिस्कस करेंगे और एक और वीडियो में आज ही इसका बनाऊंगा। मैंने खुद पेपर दिया हुआ है इसका, जो भी क्वेश्चंस मुझे याद आते जाएंगे तो मैं जल्दी कुछ क्वेश्चंस 15-20 क्वेश्चंस इकट्ठे करके आपको इसका एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। और देखिए, पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कनिष्ठ अधिकारी का जो पेपर हुआ था इसमें दो टाइप का पेपर था। एक्चुअली एक 100 नंबर का एक पेपर था, 100 नंबर का एक पेपर था, ठीक है। तो जो दूसरा जो था इसको हम टेक्निकल बोल रहे थे, ठीक है। तो टेक्निकल और ये जो 100 नंबर का था इसमें सब कुछ था, एवरीथिंग। मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं जीके की, तो जीके में स्पेशली सिर्फ एमपी का जीके इसमें पूछा गया था, ठीक है। दूसरा अगर हम पेपर इसमें देखें तो इसमें जैसे आपका जनरल साइंस था, तीसरा अगर इसमें हम देखें तो जनरल हिंदी था आपका, चौथा अगर इसमें आप देखोगे तो आपका जनरल इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद फिर जनरल आपका कंप्यूटर हो जाएगा, और इसके बाद आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट जिसको हम एप्टी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इतनी सब चीजें थी, शायद एक आध हो सकता है मैं भूल ही गया हूं क्योंकि सब कुछ था उस पेपर में, ठीक है। जीके में अगर हम देखिए बात करते हैं, हम सबका वन बाय वन लेवल यहां पर डिस्कस करते हैं। जीके का जो लेवल था उसमें देखिए एमपी जीके पूछा गया था, वो बहुत आसान, मतलब इतना इजी लेवल था कि अगर आपने व्यापम के और पेपर्स दिए हुए हैं तो डेफिनेटली ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए थे वो रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे। और रिपीटेड क्वेश्चंस देखिए, काफी रिपीटेड क्वेश्चंस थे इसमें, और रिपीटेड क्वेश्चंस की एक सीरीज मैंने बनाई थी, उसको आप जरूर देख लो, आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो उसी सीरीज से इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रिपीटेड व्यापम के रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो डाल दूंगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको एमपी जीके के उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जीएस की, तो देखिए जीएस का जो पार्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। इन तीन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, इन तीन पार्ट में ये डिवाइडेड था। तो बायो के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन केमिस्ट्री के थोड़े से क्वेश्चंस, 2-4 ही क्वेश्चंस थे टोटल। इसके जनरल साइंस की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 5 या 6 टोटल क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें केमिस्ट्री के 2 या 3 क्वेश्चन थे, तो बहुत थोड़ा सा उनका लेवल अलग ही था। मतलब नॉर्मल अगर आप जैसे हम जनरली लूसेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, जीके के लिए, तो लूसेंट कौन सी पढ़ते हैं हम, जीके वाली लूसेंट पढ़ते हैं हम, जीएस वाली लूसेंट बहुत कम पढ़ते हैं। अगर आप जीएस वाली लूसेंट पढ़ते हो तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन आवर्त सारणी से आपका आया था कि कोई 14वां ग्रुप आई थिंक दिया हुआ था और दूसरा इस तरफ से दिया हुआ था, ऐसा कुछ था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था। मतलब आपने अगर ये लूसेंट की जनरल साइंस पढ़ी है तो आपसे ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। फिजिक्स के शायद ही एक आध कोई क्वेश्चन आया था, मेन क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ही थे इसमें, ठीक है। और इन पेपर्स को मैं जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे उनको देख के तो पहली बार में मुझे ये लगा कि ये कहीं टेक्निकल पेपर ओपन तो नहीं हो गया है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से देखने में वो लग रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएस का लेवल। तीसरा फिर हम बात करते हैं जनरल हिंदी, तो देखिए जीएस का लेवल इसको आप मॉडरेट बोल सकते हो, टफ नहीं बोल सकते हो। ऐसे ही आपका जो जनरल हिंदी थी इसका भी जो लेवल था वो मॉडरेट ही था। मॉडरेट कैसा था कि ना बहुत ज्यादा टफ थी ना बहुत ज्यादा आसान थी। व्यापम के प्रीवियस पेपर्स अगर आप देख लें तो व्यापम के जैसे प्रीवियस पेपर्स आते हैं वैसे ही लगभग लगभग इसका भी पैटर्न था। जैसे आपसे समास पूछे गए थे, मुहावरे पूछे गए थे, संधि अलंकार वगैरह ये कुछ भी नहीं था, रस कोई नहीं था, छंद कोई नहीं था, अलंकार कोई नहीं था, ठीक है। मतलब हिंदी में शुद्ध अशुद्ध जो शब्द थे वो पूछे गए थे, तत्सम तद्भव ये शब्द पूछे गए थे। जैसे एक बोलियों से एक क्वेश्चन था, एक मैथिली शरणगुप्त के बारे में एक क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे कि जो नॉर्मली आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ाई करी है तो आपसे आराम से बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक एमपी जीके का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन था कि जो चचाई जलप्रपात है वो किस जिले में है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार मतलब व्यापम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसी टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन एमपी के आए हुए थे। अच्छा, एमपी जीके में एक पॉइंट और हम डिस्कस करना भूल गए, इसमें करंट, एमपी का जो करंट है, करंट से 3-4 क्वेश्चन थे, और वो भी बिल्कुल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे कि आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज होगा तो वो क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और करंट के क्वेश्चन हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। देखिए फिर आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश वॉज वेरी इजी, बहुत मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो ये पेपर आपके लिए बिल्कुल इजी रहेगा, ठीक है। और इसमें जैसे ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की जो इंग्लिश आई थी लगभग लगभग वही इसका पैटर्न था, ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के जैसा पैटर्न था, ठीक है। जैसे एक इसमें वो आया था आइडम्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और बहुत आसान था आइडम्स को। देखिए आपको अगर पता करना है आइडम्स का कि इसमें क्या है तो इसमें एक बार उसका सेंटेंस का मीनिंग जरूर समझा करो। सेंटेंस का मीनिंग निगेटिव होता है अगर,
तो आपको उसी हिसाब से आइटम्स देखना होता है, पॉजिटिव होता है तो उस हिसाब से आइटम्स देखना होता है, तो बड़े आराम से इसमें समझ में आ जाता है। अब ये तो मुझे याद नहीं है इसमें कौन सा आइटम्स पूछा था, लेकिन उसका निगेटिव मीनिंग आ रहा था तो बड़े आराम से समझ में आ गया था। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का एक इंग्लिश का पेपर जो था वो डिस्कस किया था, ठीक है। उस पेपर को आप देख लो, उस पेपर को आप देख लोगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी ले रहा हूं कि इसमें से इंग्लिश जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मतलब मेरे ख्याल से करीब 10 क्वेश्चन से ज्यादा इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ठीक है। और करीब एमपी जीके की अगर बात करते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन थे एमपी जीके और एमपी करंट से, मतलब इतने 10 की रेंज में मेरे ख्याल से होने चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन थे तो कंप्यूटर का लेवल अगर आपको थोड़ा बहुत, भैया अगर आपने जैसे पटवारी के टाइम पे पढ़ा हो तो वैसे वैसे ही लगभग लगभग कंप्यूटर का लेवल इसमें पूछा गया था। एक क्वेश्चन डॉस से भी आया था, डॉस से कुछ क्वेश्चन था कि डीआईआर जो कमांड होती है वो किस चीज के लिए होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन केवल डॉस का था, डीबीएमएस से कोई क्वेश्चन नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं था, बाकी सारे मतलब शॉर्टकट के मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन जिसमें जैसे आपका कंट्रोल टी उसका आंसर था, एक्चुअली क्वेश्चन था कि जो स्वैप करना होता है, जैसे बहुत सारी विंडोज आपने खोल रखी हो उनको स्वैप करना हो तो कंट्रोल टी का हम जनरली कंट्रोल टैब का यूज करते हैं, ये था, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, देखो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेफिनेटली ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर है, पूरा का पूरा बोई लेवल था, क्वेश्चंस लेंदी थे थोड़े से, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन था, लेकिन यही थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन था, मतलब आपका टाइम इसमें काफी कंज्यूम होने वाला है, ठीक है। तो दूसरा और अगर हम देखें, देखिए मिक्सचर और एलिगेशन से क्वेश्चन था, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन जो ऐसे ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफ, मतलब वो पेपर देख के मैंने ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का पेपर दिया था तो मुझे उसका याद आ गई थी कि भैया ए वाला पेपर लगभग लगभग आया है, वही उसका लेवल था। तो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो इस पेपर को अभी उठा लो और सॉल्व कर डालो, कल आपका पेपर होगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग वाज वेरी इजी, कि आपने अगर कभी पढ़ी भी नहीं होगी तो भी आप इसको सॉल्व कर लोगे, इतनी इजी लॉजिकल रीजनिंग थी, आपको इस पर स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। तो यहां से केवल 2 चीजें बाहर निकल के आ रही हैं कि आपको एक तो आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और थोड़ा सा क्वेश्चंस लेंदी हैं इनको फास्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, दूसरा आपका जनरल साइंस, बाकी पूरा का पूरा इसमें आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका ये पोर्शन अगर वीक है, करीब 10 क्वेश्चन से ज्यादा मेरे ख्याल से इससे रहे थे, तो 10 से 15 क्वेश्चन मेरे ख्याल से होंगे, पूरा एज पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, फादर एज सन एज दी हुई थी, एवरेज से सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। लेकिन जो आपका मिक्सचर एलिगेशन है इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट लेंदी था, रेशियो प्रोपोर्शन लेंदी था, और पार्टनरशिप पे भी क्वेश्चन पूछा था। पार्टनरशिप जो है आपकी, पार्टनरशिप का क्वेश्चन काफी लेंदी इसमें पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का जो पूरा है वो कर लो आप। इंग्लिश भी आपका ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का ही था ऑलमोस्ट, मेरा एक जो वीडियो है वो आप देख लो, डेफिनेटली आपको उसमें फायदा मिल जाएगा, आपको चीज समझ में आ जाएगी कि भैया ये क्या है। चले अब बात करते हैं हम दूसरे पेपर की। तो देखिए इसका जो दूसरा जो पेपर हुआ है, दूसरा 100 नंबर का, तो जैसा हम लोग गैस कर रहे थे कि इसमें 11th और 12th का आने वाला है, जैसा कि हमारा एसआई का टेक्निकल एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एसआई का जो टेक्निकल एग्जाम हुआ था, इस पेपर के आगे हम इसको टुच्चे लेवल का पेपर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे 11th और 12th की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं बीएससी लेवल की, कम से कम बीएससी लेवल की, और इन्होंने बी वालों से फॉर्म भरवा के उनको बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करी है। क्योंकि इसमें देखिए बी वाला जो बंदा होगा वो कुछ क्वेश्चंस इसमें फिजिक्स के अटेम्प्ट कर सकता है, और मेरे ख्याल से 5 से 7 क्वेश्चन वो इसमें मैथ्स के अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो केमिस्ट्री तो हाथ ही नहीं लगा पाएगा, इस बात की तो मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। तो आप अगर बीएससी के बंदे हैं और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों चीजें अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ी हुई हैं तो डेफिनेटली ये पेपर आपका ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। क्योंकि जो पहला जो पेपर है उसमें आराम से आप अगर आप क्वांट थोड़ा सा अच्छा कर लोगे तो आप इसमें 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, और इसमें अगर आपने 80 प्लस स्कोर कर लिया और इसमें आपने 50 प्लस स्कोर कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से 140 से 145 के आसपास इसका कट ऑफ जाना चाहिए, इससे ज्यादा कट ऑफ मेरे ख्याल से तो नहीं जा सकता, ठीक है। बाकी आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता, कल पटवारी का रिजल्ट आया था तो देख के तो बड़ी हड़बड़ाहट होती कि भैया वो कह रहा है, ठीक है। तो ये जो
केमिस्ट्री थी इसमें, केमिस्ट्री का तो मुझे एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फिजिक्स के, हाँ फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गए थे आपके, दो तीन क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से थे। जैसे एक क्वेश्चन एफईटी का पूछा गया था कि जो आपका एफईटी होता है वो कौन सा डिवाइस होता है, यूनिपोलर होता है, बाईपोलर होता है, इस तरीके से। तो एफईटी आपका यूनिपोलर डिवाइस होता है क्योंकि इसमें जो करंट का कंडक्शन है वो या तो होल्स के कारण होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है। जैसा अब आपका बीजेटी क्वेश्चन, बीजेटी है तो बीजेटी आपका बाईपोलर होता है इसमें, क्योंकि दोनों के कारण, होल्स इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण करंट का कंडक्शन होता है। एक क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का था जिसको, हालांकि बेसिक क्वेश्चन ही था वो, क्योंकि ये पूछा था कि अगर तीन वेरिएबल हैं तो मैक्सिमम वो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके, तो देखिए 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। अब मान लो 4 वेरिएबल हो जाते हैं तो 2 की पावर 4 मतलब 16 कॉम्बिनेशन, कौन से कॉम्बिनेशन, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और हो जाएगा आपका 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये 8 कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं, ठीक है। 16 हो जाते हैं तो फिर एक कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 एंड सो ऑन, मतलब इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। इसके अलावा एक लेंज का जो नियम है वो पूछा गया था कि लेंज का नियम जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा था फिजिक्स में कि अगर आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, तो काफी मतलब आसान था। तो ऐसे मेरे ख्याल से 10 से 12 क्वेश्चन ही टोटल होंगे फिजिक्स में, ठीक है। जो एक बी वाला बंदा, उसने अगर कभी अपने आईआईटी जेईई की तैयारी जब करी होगी उस टाइम पे अगर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उससे बनेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं बनना है, ठीक है। एक क्वेश्चन फिजिक्स में ये पूछा गया था कि दो चार्ज रखे हैं एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक Q1 चार्ज है एक Q2 चार्ज है। अब इनके बीच में यहां पे कहीं आसपास एक Q3 चार्ज लाया जाता है तो ये जो फोर्स है इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नन ऑफ दीज, इस तरीके का एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे जो आपसे बन सकते हैं। मैथ में अगर हम बात करें, देखिए मैथ में जितना मैंने पढ़ाया था अभी मैथ में, मुझे लग रहा था कि इसी लेवल का पेपर आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम पे अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम पे कुछ भी नहीं था। वेक्टर के नाम पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि मान लीजिए, मैं आपको एकदम तो मुझे याद नहीं है, इस तरीके से दिया था i-2j+3k, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं वेक्टर a1, ऐसे एक वेक्टर a2 दिया हुआ है 2i-j+3k इस तरीके से, सॉरी यहां पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, bk मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बोला था कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है वो कॉस थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है 0, मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है A1 और A2 का, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस तरीके से इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आई और इसमें आई दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 2 हो जाएगा, -2 × -1 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या जाएगा 3 × b = 0। तो ये बी की वैल्यू यहां पे पूछी गई थी आपसे कि ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से आप बी की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो, 3/2 शायद इसका कुछ ऐसे ही, कुछ 3/2 5/2 ऐसे ही कुछ आंसर इसका आया था, ठीक है। तो ये एक आपका वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से भी था लेकिन वो था nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब उसको देखिए nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बताता हूं आपको, कुछ इस तरीके से दिया हुआ था क्वेश्चन कि पहली बार क्वेश्चन देख के आपको क्वेश्चन ही समझ में आया अगर आपने वो कभी टॉपिक देखा ही ना हो। इस तरीके से था कुछ कि log 1+x दिया हुआ था, dn log 1+x यही था मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इसको क्या है ना, n लेवल का डिफरेंशिएशन करना है और जनरलाइज टर्म इसकी निकालनी है। तो देखिए जब हम इसका dy/dx करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 1/1+x हो जाएगा। दूसरी बार इसका d²y/dx² हम इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए पहले आपका जो डिनोमिनेटर है या हर है इसको लिखेंगे हम into dy/dx ऑफ अंश न्यूमरेटर, माइनस क्या हो जाएगा -1 लिखेंगे into dy/dx ऑफ 1+x, तो 1+x का डिफरेंशिएशन 1 का 0, x का हो जाएगा 1, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपका -1/1+x का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे जब इसका आप d³/dx³ निकालोगे तो ये मेरे ख्याल से आ जाता है 2/1+x³, ठीक है। अब इसको अपने को जनरलाइज निकालना है, तो देखिए इसको जनरलाइज निकालने की जरूरत नहीं है, आप ना सीधे ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शन से जाके इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन पूछा था, तो
डिफरेंशियल इक्वेशन का एक वीडियो मैं जल्दी ही आपको बना के दे देता हूँ, आज शाम तक दे दूंगा एनी हाउ। और उसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसका पूछा गया था। तो इस टाइप के देख लीजिए आप, पेपर आया था, जो ये क्वेश्चन मुझसे बड़े आराम से बन गए हैं तो वो मुझे याद है, बाकी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे। हाँ, एक जो आपका मैक्सिमम मिनिमा से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और मैक्सिमम मिनिमा का जो क्वेश्चन था वो हमने जो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था उसमें से नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया था सेकंड ऑर्डर जो होता है ना, पार्सियल वाला जो होता है, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल, मतलब ऐसी कुछ होता है क्या, मुझे याद नहीं है। इनको अपन आर से, टी से और एस से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये आर एस माइनस टी स्क्वायर ऐसा कुछ होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं मैक्सिमा के लिए, ठीक है। तो ये इस पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, मतलब पूरा का पूरा जो पेपर था मैथमेटिक्स का वो बीएससी लेवल का था। अगर आपने इस लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपसे पूरा पेपर बन जाएगा, अदरवाइज आपसे ये पेपर नहीं बनने वाला है, ठीक है। ये पूरा इसका गणित है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा पेपर टफ था, और बस मैंने आपको बता दिया पेपर ऐसा था और इस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक जल्दी से याद करके, काफी क्वेश्चंस याद हैं, काफी क्वेश्चन याद करके मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस में मतलब कैसे पेपर्स में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। थैंक यू।